पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए बिजली पर 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ, फी यूनिट पर 14 रुपए कटौती का फैसला। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अगर टैक्सेस लगाकर यूनिट 44 रुपए का बनता है तो सारिफ को 30 रुपए का यूनिट पड़ेगा। 500 यूनिट वालों को बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार होते हैं। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से मुलाकात, धरना मुआहदे मुज़ाकरात पर बातचीत। लियाकत बलोच बोले, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाजा हुकूमतों को बेवकूत बना चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात जारी। मुल्क भर से 2,80,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चेयरमैनशिप के लिए 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जेर एहतमाम पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, पीएचडी, एमफिल और एमएफएन प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए 430 उम्मीदवारों की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी मराकज पर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब का तालीम दोस्त वीएन, पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम के लिए वजायफ का इजरा जारी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बीएस ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए 418 तालिब इलमों को फीस की अदायगी के लिए 6,73,00,000 से ज्यादा की रकम जारी की गई। हाफिज कुरान बच्चों को 3,52,00,000 रुपये के तालीमी वजायफ दिए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम अव्वलीन तरजीह है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम वीडियो लिंक इजलास, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल आईजी ऑपरेशंस, एडिशनल आईजी आईएबीस और डीआईजी समेत सीनियर अफसरान की शिरकत। मुख्तलिफ अजला के आरपीओ, सीपीओ और डीपीओ की भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में छह रीजन्स और उनके अजला की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बदनामे जमाना गैंग्स की सरकूबी पर खुशाब भगर समेत मुख्तलिफ अजला के डीपीओ को शाबाश दी। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक अम्याना की जेर सदारत अहम इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जायजा लिया गया। बिलाल सदीक अम्याना कहते हैं, केपीआईएस के मुताबिक करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सुपरवाइजरी अफसरान मातहत अमले की कारकर्दगी जांचने के लिए फील्ड दफातर के बाकायदगी से दौरे करें। आम शहरियों बिलखसूस खवातीन और बच्चों की शिकायत को फौरी निपटाया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कामयाब कार्रवाई, नौ मौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलवस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं, टीम ने ग्रोह के कब्जे से नौ मौलूद बच्चे को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ग्रोह में 3 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। सीओओ सीबीटी पंजाब का एनएसआईटी का दौरा, तरक्याती कामों और जेरे तामीर आईटी टावर की पेशरफ्त का जायजा लिया। सीबीटी पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन टावर पर ब्रीफिंग दी। सीओओ सीबीटी पंजाब ने काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत। एनएसआईटी पर अब तक की कारकर्दगी पर सीओओ सीबीटी पंजाब का इजहार इत्मीनान। बाघों के शहर का मतला साफ, सूरज जलवे दिखाने लगा। आज भी बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। दोपहर के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई, कम से कम दर्जा हरारत 26, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पीजीएमए की आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। तर्जमान के मुताबिक कौसलमान में बारिशों के बाद टीजी खान और राजनपुरा कोहियों में सैलाबी सूरतआल है। काला भगा कोही से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा।
डीजी खान से सखी सरवर कोहि से भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मंगला डैम में पानी की सतह 70%, तरबीला डैम में 99%। आइंदा 24 घंटों में भारत की जानिब से पानी के बड़े अखराज का कोई इम्कान नहीं। छुट्टी के रोज खाबों के शौकीन लाहौरियों के नाश्ता पॉइंट्स पर डेरे, किसी ने नानचने खाए तो किसी ने बोंग पाए से पेट पूजा की। हलवा पूड़ी की दुकानों पर भी रश रहा, ठंडी ठाड़ लस्सी ने नाश्ते का मजा दुबाला कर दिया। चाय के शौकीन हजरात चुस्कियां भी लेते रहे। शहर की सब्जी मंडियों में घिरा फरोशों का राज, सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और टमाटर 150, आलू 110, लहसुन 600 रुपये किलो में फरोख्त। अदरक 800, बंद गोभी 250, फूल गोभी 200 रुपये की किलो हो गई। ब्रायलर गोश्त भी 2 रुपये महंगा होकर 593 रुपये का किलो हो गया। फार्मी अंडे भी 2 रुपये बढ़कर 295 रुपये के दर्जन हो गए। और छुट्टी के रोज लाहौरियों का तफरी गाहों का रुख, नन्हे बच्चों ने भी चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर, शेर, बंदर और रंग बिरंगी मछलियाँ और दीगर जानवर देखकर खूब महसूस हुए। खुद भी चटपटी चीजों से लुत्फ उठा रहे हैं, जानवरों की भी मुख्तलिफ अशिया से पेट पूजा करने लगे।